हम सब क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, लेकिन होता क्या है। अक्सर परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत होती हैं। जिन लोगों पर भरोसा किया जाता है वही लोग हमेशा धोखा देते हैं, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती मुश्किलों में वे लोग ही साथ निभाते हैं। जिन परिस्थितियों और अवसरों को हम सौभाग्य समझते हैं पल भर में वे ही अवसर और परिस्थितियां दुर्भाग्य में बदल जाता है, और कभी कभी बदनसीबी और दुर्भाग्य वाली परिस्थितियां कब सौभाग्य में बदल जाती है ये हम कभी कल्पना ही नहीं किए रहते हैं। एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक बार एक राजा जी अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार करने गए। शिकार करने समय राजा की किसी जंगली कांटे से हाथ की उंगली कट गई और उंगली से खून निकल आया। इस घटना से राजा बहुत उदास हो गए, उनका मन दुखी हो गया, लेकिन साथ में शिकार पर गए मंत्री जी राजा को समझाने लगे, और मंत्री जी ने कहा, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें ज़रूर भगवान की कोई मर्जी होगी, आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। लेकिन राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत नाराज हो गए, और राजा ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दे दिया कि मंत्री जी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए, और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस उंगली के कटने में कोई खास बात हुई तो उनके वजन के बराबर सोने से तौलकर मंत्री जी को आज़ाद कर देना, और अगर कोई भी खास बात नहीं हुई तो मंत्री जी को कारागार में ही सारी उम्र सड़ने देना। लेकिन राजा के इस आदेश से मंत्री जी बिल्कुल भी विचलित और मायूस नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराते हुए मंत्री जी ने फिर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरे दिन राजा फिर शिकार खेलने जंगल में जाते हैं। जंगल घना होने के कारण राजा रास्ता भटक गए और अपने अंगरक्षकों से बिछड़ गए। रास्ते की तलाश करते करते राजा आदिवासियों के एक कबीले में पहुंच गए। उस समय आदिवासियों के कबीले में बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही थी। आदिवासियों ने राजा को देखा, नए आदमी को देखकर आदिवासी बहुत ही खुश हो गए, और उन लोगों ने राजा को बंदी बनाकर बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। राजा काफ़ी डरे और भयभीत थे, और सामने उनको अपनी मौत नज़र आ रही थी। राजा अपनी हिम्मत हार चुके थे। तभी अचानक एक आदिवासी की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी, और वह तुरंत ही चिल्लाया, रुको रुको, इस आदमी का तो अंग भंग है, इसकी बलि से देवी माँ नाराज हो जाएगी और हमारे कबीले पर देवी माँ का कहर बरसेगा, और उस कटी उंगली की वजह से। राजा की जान बच गई और आदिवासियों ने राजा को आज़ाद कर दिया। तो दोस्तों, आप ही बताएं, राजा की कटी उंगली को वरदान कहें या अभिशाप, मंत्री जी के लिए गुड लक कहें या बैड लक। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, जॉब में तरक्की नहीं होती, बिजनेस व्यवसाय में मनचाहा सक्सेस नहीं मिलता है, तो हम खुद को बदनसीब समझने लगते हैं, खुद को लूजर मानते हैं और हारा हुआ समझकर जीवन खत्म समझ लेते हैं। तो मैं आपको कह दूं, आप खुद को लूजर हारा हुआ इंसान मत समझिए। अपने मन की सारी हीन भावनाएं निकाल फेंकिए और गंभीरता से अपनी असफलता के कारणों पर विचार कीजिए और डटकर सही दिशा में काम करिए। सफलता खुद ही आपके पास चली आएगी। हर वो मुश्किल जो आज आपको परेशान कर रही है कल आपकी सफलता के लिए नए नए रास्ते बनाएगी। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम लगातार करते रहिए और डटे रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके दिमाग में जो सवाल हैं, जो भी विचार हैं, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव को इस वीडियो को शेयर करके उनके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज लाइए। और हाँ, यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो खुद को हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।